जी न्यूज़ हेडलाइंस आर ब्रॉट टू यू बाय। साबुन से हाथ धोना कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत। घर महफूज तो हम महफूज। हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत। सिंध में आज मुसलसल चौथे हफ्ते नमाज जुमा के इज्तमात नहीं होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात के बाद 3 हफ्तों तक हुकूमती फैसला ना मानने वाले जामिया नईमिया के मुफ्ती मुनीबर रहमान ने भी फैसला मान लिया। दिन 12 बजते ही पुलिस ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी, किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं। दोपहर 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन और पहिया जाम रहेगा। 3:30 बजे खुलने वाली जरूरी अशिया की दुकानों को शाम 6:30 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। सिंध हाई कोर्ट ने मसाजिद में नमाज की इजाज़त देने पर दायर दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए निपटा दी। मुख्तसर फैसला जारी, इंसानी जिंदगी को बचाने का मामला सबसे पहले और सबसे अहम है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की गिरफ्त मजीद मजबूत होने लगी। लॉकडाउन के बावजूद केसेस की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 497 नए केसेस रिपोर्ट, तादाद 7025 तक पहुंच गए। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए, जहां बाहक अफराद की तादाद 135 हो गई। सूबे पंजाब में 3,276, सिंध में 2,008, खैबर पख्तूनख्वा में 993, बलूचिस्तान में 303, गिलगित बल्तिस्तान में 245, इस्लामाबाद और वफाकी इलाका जात में 154, आज़ाद कश्मीर में 46 केसेस रिपोर्ट। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में तेजी से इजाफे का खदशा, जहां जहां बेशुमार होगा वहां वायरस जरूर फैलेगा। पाकिस्तान के पास वसाइल कम और मसाइल ज्यादा हैं। माली मुश्किलात से दोचार पाकिस्तानी मईशत को सहारा मिल गया। आलमी मालियाती इदारे IMF से पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ डॉलर्स के रिलीफ पैकेज की मंजूरी। मिलने वाली रकम लॉकडाउन से पैदा माशी बहरान से निपटने में मदद देगी। मुआवन खुसूसी बराए इत्तला फिरदौस आशिकवान ने बैरूनी इमदाद और IMF से मिलने वाले रिलीफ पैकेज को वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहतरीन पॉलिसी करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त इजाफा। लॉकडाउन के बाद आज पहली बार 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 4% से ज्यादा बढ़ने पर कारोबार कुछ देर के लिए मुअत्तल। सरमायादारों का एतमाद दोबारा बहाल होने लगा। नवाज लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर सख्त तनकीद। मौजूदा वक्त वजीर आजम के बयानात का नहीं, पाकिस्तानियों को रोटी देने का है। IMF ने कर्जे माफ करने के बजाय सिर्फ 1 साल रियायत दी है। PTI रहनुमा कामयाबी के बयानात दाग कर बेवकूफ ना बनाए। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खिराज तहसीन पेश कर दिया। आलमी वबा के सामने दुनिया भर में जहां बहक पाकिस्तानियों के लवाहिकीन से भी हमदर्दी का इजहार। मुल्क भर में मेडिकल इमरजेंसी के बावजूद सियासी पारा मुसलसल हाई। PTI रहनुमा शहबाज गिल की सिंध साइंस सरकार और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर शदीद तनकीद। राशन की तकसीम पर मुराद अली शाह, शैला रजा और कमर जमान कारा के बयानात मुतजाद करार। शहबाज गिल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमाहंगी से फारिग करार दे दिया। लॉकडाउन में जखीरा अंदोजी करने वालों की खैर नहीं। जखीरा अंदोजी पर 3 साल कैद और जब्त शुदा माल की मालियत का 50% जुर्माना होगा। सख्त सजाओं पर मुश्तमिल हुक्मनामा मंजूरी के लिए काबीना अरकीन को इरसाल। मंजूरी के बाद हुक्मनामे पर सदर मुमलिका दस्तखत करेंगे। यूनिवर्सिटी
यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज नाफिज हो गया। चावल, घी और कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया की कीमत में 4 से 115 रुपए तक का रिलीफ मिलेगा। लेकिन कराची में उल्टी गंगा बहने लगी। जहांगीर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स कई दिनों से बंद। मुल्क भर में रमजानुल मुबारक में बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। वजारत तवनाई का बिजली की लोड मैनेजमेंट का मंसूबा तैयार। वालिदैन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। स्कूलों की फीस में 20% कमी नहीं होगी। सिंध हाई कोर्ट ने साई सरकार का हुक्मनामा मौतल कर दिया। 22 अप्रैल तक सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने का हुक्म। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। 200 से ज्यादा ममालिक और टेरिटरीज में मजमूई तौर पर 1.5 लाख अमवात। 21 लाख अफराद से ज्यादा वायरस का शिकार। इटली में 22,000, स्पेन में 20,000, फ्रांस में 18,000 और बरतानिया में अमवात की तादाद 14,000 तक पहुंच गई। कोरोना वायरस ने सुपर पावर अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमेरिकी रियासतों में 2400 से ज्यादा शहरी जान की बाजी हार गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 34,000 से ज्यादा हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डूबती हुई अमरीकी मईशत बचाने के लिए सरगर्म। अमवात की शरह में मुसलसल इजाफे के बावजूद लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का फैसला। मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स को हालात देखते हुए आज खुद फैसलों का इख्तियार दे दिया। पहले मरहले में छोटे सनअती यूनिट्स खोलने का ऑप्शन से रिकॉर्ड हतमी ऐलान आज मुतवक्के। बरतानवी हुकूमत ने लॉकडाउन मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। 3 हफ्ते की तौसी का ऐलान। बरतानवी वजीर खारजा का कहना है कि मईशत को नुकसान से बचाने के लिए इंसानी जानों को दांव पर नहीं लगा सकते। लॉकडाउन में नरमी की तो इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह होगी। कोरोना वायरस के बायस आलमी कसाद बाजारी से दुनिया के करोड़ों बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुत्तहदा एंटोनियो गुतरेस का बच्चों के लिए फौरी इकदामात करने का मुतालबा। बच्चों को भूख से बचाने, खसरे की वैक्सीन देने और घरेलू तशद्दुद से महफूज रखने के लिए फौरी इकदामात करने होंगे। दुबई की तमाम रौनकें खत्म हो गईं। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मजीद सख्त इकदामात का ऐलान। इजाजत नामों के बगैर लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। दुबई के मुकामी और गैर मुकामी अफराद घरों में कैद हो गए। माह रमजान में मुसलमानों के तीसरे मुतबारक मकाम और क़िबला अव्वल बैतुल मक़द्दस में वाक़िए मस्जिद अल अक्सा को बंद रखने का ऐलान। रमजानुल मुबारक में भी मस्जिद के अंदर नमाज की अदायगी नहीं होगी। और मुल्क के बेशतर हिस्सों में एक बार फिर बारिशों का आगाज। मगरिब से आने वाले हवा का कम दबाव बलोचिस्तान में दाखिल। ताफ्तान, चाघे और मस्तूंग में मूसलाधार बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। अगले 24 घंटों के दौरान वस्ती पंजाब में बारिश होने से गंदम के फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा।